आज संथाल परगना की हालत देखिए, डेमोग्राफी देखते ही देखते कैसे चेंज हो गई। धीरे धीरे आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए, जिस माटी बेटी और रोटी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्रांति का आह्वान किया था, आज वो माटी बेटी रोटी पर झारखंड में घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना में 44% आदिवासी थे, ऑन रिकॉर्ड ये केवल 28% रह गए हैं। पाकुड़ में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गया, 2/3 दूसरे लोग वहां बस गए। अगर आज भी वहां आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हम खड़े नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। पाकुड़ के जिकरहट्टी स्थित संथाली टोला और मालपहाड़िया गांव में आज अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं बचा है, कोई सदस्य नहीं बचा है। आखिर वहां के भूमिपुत्र कहां गए, वहां के आदिवासी कहां गए, उनके घरों पर जमीनों पर आज कब्जा किसका है। वहां दर्जनों गांव और टोले जमाई टोले के रूप में जाने जाते हैं। ये जमाई कौन है, ये जमाई कैसे बने, ये जमाई कहां से आए, इनको कौन संरक्षण दे रहा है। मित्रों, कई जगह यही घुसपैठिया भूमि अधिग्रहण के लिए दान पत्र के माध्यम से आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को उपहार में भी दिए जाने की खबर, क्योंकि बेटी से शादी के बाद बेटी के नाम से जमीन खरीदना और जमीन खरीदने के बाद पंचायत के चुनाव लड़वा के पंचायत के संसाधनों पर कब्जा करना, यह आम है। कई जनप्रतिनिधि वहां बेटियां जो आदिवासी थी उनकी शादी इनके साथ हुई है और बाद में जब वो चुनाव जीतती है तो कब्जा इनका होता है। संथाल परगना में वीर सिद्धो कानू की जन्मभूमि भोगना डी गांव में अब कुल मिला के 500 आदिवासी भी नहीं बचे, जबकि 1500 से ज्यादा संख्या घुसपैठियों की हो गई। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में केवल 12-13% आदिवासी बचे। परगना की वीरभूमि भोगना डी में कई नए पक्के मकान मिलेंगे जिन पर JMM का झंडा लहरा रहा है। इनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं हम जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये है और इनको हम सुविधाएं देंगे। मैं आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। क्या अवैध घुसपैठियों का पालन पोषण कांग्रेस का एजेंडा है? क्या झारखंड के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार है? क्या आदिवासियों की जमीन छीनने वाले उनकी माताओं बहनों और बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों के साथ कांग्रेस का JMM का गठबंधन है? क्या सत्ता पाने की हवस में JMM कांग्रेस झारखंड की माटी बेटी रोटी अवैध रूप से अवैध घुसपैठियों के पास गिरवी रख देगी? क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने वोट के बदले अवैध घुसपैठियों के साथ कोई सौदेबाजी की है? JMM जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, मैं जवाब चाहता हूं, झारखंड की जनता जवाब चाहती है।